यूपीएससी यानी देश का सबसे टफ एग्जाम। पैसा, पावर, पोजीशन के सपने लिए हर साल 11 लाख से ज्यादा युवा इस एग्जाम को देते हैं और सीट होती है मात्र 1000। यानी सफलता का रेशियो 1100 में से 1.09। बट आखिर ऐसा एग्जाम जिसमें सक्सेस रेशियो मात्र इतना सा है, इतने सारे लोग, इतने सारे युवा अपनी भरी जवानी क्यों इस एग्जाम के चक्कर में गला रहे? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए इन लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं झूठे सपने दिखा के? सरकार इनके लिए कुछ करती क्यों नहीं है? या सरकार भी साजिश में शामिल है? जो 1,99,000 लोग रह गए जिनका हुआ ही नहीं, उनका आखिर बाद में क्या होता है? और जिन 1000 का सिलेक्शन हो गया, क्या उनकी जिंदगी मस्त है और कोई दिक्कत नहीं आती? तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपीएससी के पूरे इकोसिस्टम के बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, और लास्ट में मैं रखूंगा अपनी राय। इस वीडियो को अपन 8 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट होगा यूपीएससी के एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है। सेकेंड हम बात करेंगे कि कैसे कोचिंग माफिया इनको बेवकूफ बना रहे हैं। तीसरा हम बात करेंगे कैसे सरकार भी इस पूरे प्रयास में मिली हुई है। चौथा कि क्यों युवा 7 से 8 साल सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिर भी थक नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, कारण क्या है। पांचवा, उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं कि बेटा तुझे हम पाल लेंगे, बस यही एग्जाम क्लियर करना है। एंड उसके बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका क्या होता है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनका क्या होता है, एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं मेरे मैसेज देने में क्लियर हो गया हूं, तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी का दिन कैसे बीतता है। लेकिन उससे पहले कई ऐसे लोग हैं, 90% को तो पता है, पर 10% ऐसे लोग हैं, सर यूपीएससी क्या है वो तो समझा दो। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये वो आयोग है जो परीक्षाएं करवाता है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए। इसमें हर साल 1000 से ज्यादा वैकेंसी निकलती है, जिसमें लोग बाग अप्लाई करते हैं। पहले प्रीलिम होता है, उसके बाद मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद इनके नंबर के आधार पे आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की, इस तरह की बड़ी बड़ी आधिकारिक पोजीशन पे इनको शिफ्ट किया जाता है। तो अगर आपकी सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है, वो भी छोटी मोटी नहीं, मोटी वाली सरकारी नौकरी, सबसे बड़ी सरकारी नौकरी, तो आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है। आई बात समझ में? और अब ये सरकारी नौकरी, वो भी कर्मचारी वाली नहीं, अधिकारी वाली नौकरी करने के लिए कितने पापड़ बेलता है यूपीएससी का एस्पिरेंट, वो सुनिए। सुबह उठते ही हिंदू का अखबार, उसके बाद भैया कोचिंग का संसार, फिर शाम को रिवीजन करने के लिए लाइब्रेरी जाओ, वहां पे किताबों का अंबार। और ये जो रूटीन है, ये एक टेप रिकॉर्डर के जैसे बनता है, हर बार 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 लगातार। शायरी अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। कोई दोस्त नहीं है, कोई शौक नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या कोई कजन की शादी, इनको किसी से मतलब ही नहीं है। ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर इनके ठिकाने हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा लेके एक अर्जुन की जैसे भजन लक्ष्य के पे निशाना साधे, बाकी सब भूल गए, दुनियादारी का पता ही नहीं है। उसके बाद पहला अटेम्प्ट होता है, प्रीलिम नहीं निकलता, फिर तैयारी में लगते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम निकलता है पर मेन नहीं निकलता, फिर तैयारी, आपको लगता है कोई नहीं मेन की तैयारी करे, नहीं भैया तैयारी शुरू से होती है। तो फिर प्लेम की तैयारी करेगा, फिर मेन की तैयारी करेगा, फिर इंटरव्यू में अब की बार नहीं हुआ तो भैया फिर रह गए, अब की बार फिर प्लेम से चालू करना है। अब की बार फिर प्लेम हुआ, मेन हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, और अब तो मेरे अटेम्प्ट भी खत्म हो गए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र 30 साल हो गई है, अब लेनी देनी कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है, स्टूडेंट नहीं होता। मेडिकल स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट है, कभी ना कभी तो डॉक्टर बनेगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब आज स्टूडेंट है, कभी तो इंजीनियर बनेगा, लगभग गारंटी होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट का मतलब है अगर पार हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा, पर नहीं हुआ तो कुछ भी लेने देने नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर इतनी टफ कंडीशन में कोई जीता है, दिन में 14 से 16 घंटे पढ़ता है सब चीजों को त्याग के, उसके बाद भी 1 साल 2 साल 3 साल नहीं होता, उसके बाद आदमी छोड़ देना, फिर क्यों लगा रहता है? अरे सर, उसको वहां लगा रहने के लिए आते हैं आपके प्यारे प्यारे कोचिंग वाले। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट चालू होता है कि कोचिंग वाले कैसे बेवकूफ बनाते हैं उसको। तो बात है भैया, कोचिंग वालों की दाल रोटी चलती है यूपी एस्पिरेंट के पैसे से। साल में 1000 पोस्ट निकलेगी, पर तैयारी करते हैं 1,150,000 लोग। नॉर्मल कोचिंग की अगर आप बात करेंगे तो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक इनकी फीस होती है, फिर कोई अलग से सब्जेक्ट है तो 50,000 से 1 लाख का वो, उसके बाद किताबें, उसके बाद मॉक टेस्ट के पैसे, इवन अखबार पढ़ने का भी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं कि अखबार ऐसे पढ़े। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, ये हैं सब ग्राहक। और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा मेरे ग्राहक कम हो, वो चाहते हैं ग्राहक ज्यादा ज्यादा बढ़े। तो यूपीएससी वाले ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इतना टफ एग्जाम है, तुम तैयारी मत किया करो। ये थोड़ी बोलेंगे 2 अटेम्प्ट हो गए बस अब घर जाओ। वो बोलेंगे अरे अभी तो 4 अटेम्प्ट हुए हैं, 2 अटेम्प्ट और बाकी हैं, अभी तो तुम में जोश है, अभी तो तुम करोगे, एक दिन देखना, 1 साल की मेहनत और।
एक साल की मेहनत और फिर देखना लाल बत्ती, फिर तुम्हारे पीछे चार लोग भागेंगे, फिर कलेक्टर साहब बोल के सलाम ठोकेंगे, करोगे? हाँ जी करेंगे, लाजा फीस जमा करा क्या। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कोर्स नहीं बेचते, ये सपना बेचते हैं। यस, बाकी सब नौकरियां हैं। कोई कहता है सर जब बनोगे बंगला गाड़ी ठक ठक गांव जाओगे। अब कहने को तो बोलते हैं भैया ये मोटिवेशन है। राहुल जी मोटिवेशन जरूरी है, बिना मोटिवेशन तो उसका दिल टूट जाएगा, तो मोटिवेट करना जरूरी है। मैं कहता हूं देखो मोटिवेट करना जरूरी है, पर ये मोटिवेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। मोटिवेशन नहीं हो रहा है, मनी खींचने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि एक अटेम और लगा, एक फीस और लगेगी। फिर कोचिंग वालों की मार्केटिंग देखोगे तो देखते रह जाओगे। एक वीडियो आएगा जिसमें मोदी जी खड़े हैं, एक आईएएस उनसे कह रहा है फॉर्म भरो, और फिर नीचे लिखा हुआ आता है मोटिवेट। इसी दिन के लिए तो आईएएस बनना था, देखिए आईएएस की पावर। एक वीडियो और है मोदी जी का जहां पे वो जापान के राष्ट्रपति के साथ गोलगप्पे खा रहे हैं, तो वहां वीडियो के नीचे क्यों नहीं लिखते इसी दिन के लिए तो गोलगप्पे वाला बनना था। एक वीडियो था जिसमें मोदी जी लिट्टी चोखा खा रहे थे, उसके नीचे क्यों नहीं लिखा इसी दिन के लिए तो लिट्टी चोखा बनाने थे। अरे भाई साहब तुमने कोई एक सेकंड के लिए एक वीडियो उसको पॉपुलर कर दो, फिर वीडियो चलेगी कि आईएएस आ रहा है, गाड़ी खुल रही है, पीछे चार लोग आ रहे हैं, फिर मोटिवेशन म्यूजिक, इसी के लिए तो करना था। आईएएस की पावर देखो। अरे दादा काहे बेवकूफ बना रहे हो यार। फिर आर्टिकल आता है टैक्सी वाले की बेटी बन गई, अरे फल वाले का बेटा बन गया, अरे सफाई कर्मचारी बन गया। अरे भाई साहब एक बार तो 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे, एक का नंबर आ गया उसको हाईलाइट कर देते, अरे ये देखो, अरे देखो, तो आदमी को लगता है मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा। कोचिंग वालों का सिंपल सा धंधा है, सक्सेस हो गया हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, फेल हो गए तुम्हारी, तुम जानो। इनके कोचिंग की स्टूडेंट की दो कैटेगरी है, रैंकर और बैंकर। जिसकी रैंक आती है उसको भैया माला पहना देते हैं, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, उसकी शॉर्ट्स चला देते हैं, उसको अखबार में छाप देते हैं, पूरा शहर छाप देते हैं, और उसको देख के 1 लाख बच्चे आते हैं हमारा भी एडमिशन कर दो। वो जो एडमिशन करते हैं वो बैंकर होते हैं, वो इनका बैंक भरते हैं। और इसी चक्कर में झूठ बोलने से भी परहेज नहीं करते। सन 2017 की बात बताते हैं, इंटरेस्टिंग, मैं पेपर की कटिंग मिली तो जरूर इस वीडियो में लगाऊंगा। 2017 में 990 वैकेंसी निकली हुई थी। उस समय एक ALS इंस्टीट्यूट कहता है हमने दिए 244। बाजीराम बोलता है हमारे हुए 400 सिलेक्शन। चाणक्य बोलता हमारे हुए 355 सिलेक्शन। अरे तुम तीनों ने मिला के 990 से सीट ज्यादा कर दी, बाकी के आदमी बनाए नहीं। अगर आपको लगता है कि राहुल जी यार ये बात तो कभी सोची नहीं, इमोशनली बह के हम तो हमेशा ऐसा सोचते थे, लेकिन आज आपने लॉजिकली सोचने पे मजबूर किया है। अगर ऐसा आपको लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना, क्योंकि अब बात करने वालों में उस स्केल के सबसे बड़े खिलाड़ी की जो पर्दे के पीछे बैठा है वो है सरकार खुद। 2010 में जब 270,000 लोगों ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था तब भी सीट थी 1043। पिछले साल जब 1,150,000 लोगों ने अप्लाई किया है, यानी 5 गुना संख्या बढ़ गई है, सीट अभी भी 1000 ही है। ये सरकार सीट क्यों नहीं बढ़ा रही, सरकार आपकी क्वालिफिकेशन लेवल क्यों नहीं बढ़ा देती कि यार सब जने अप्लाई मत करो, ये वाला क्राइटेरिया करते हैं, वो वाला क्राइटेरिया करते हैं, हर कोई तो मत आ जाओ, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। सरकार को पता है नौकरियां हमारे पास है नहीं, ये लड़के बीए बीकॉम वगैरह जब कर लेते हैं ये जैसे ही पढ़े लिखे हो जाएंगे और बेरोजगार रहेंगे तो भैया हल्ला करेंगे, ये सीधे मांगेंगे रोजगार, ये करेंगे धरने प्रदर्शन। तो अब की काम करो, इनको कहीं बिजी कर दो। तो यूपीएससी के चक्कर में जो लड़का बिजी हो गया उससे पूछो तू बेरोजगार है, बोले नहीं, बोले तू काम कर रहा है, नहीं, वो इस भ्रम में है कि वो कुछ कर रहा है, वो इसी भ्रम भ्रम में उसके 7-8 साल कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। भाई 21-22 साल का लड़का बीए बीकॉम बीए करके कहता है नौकरी दो, ये कोचिंग वाले कहते हैं अरे तो कहाँ नौकरी के चक्रों में पड़ रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, यूपीएससी तैयारी। वो तैयारी करते करते उस बेचारे के 30 साल हो जाते हैं, लेनी देनी कुछ निकलती नहीं है। अब 30 साल की उम्र में न तो एनर्जी बची है, न भाई का कॉन्फिडेंस बचा है, अब घर वाले पीछे पड़े हैं, भैया कोई नौकरी कर ले, 2 पैसे घर में तो ला, कब तक खाएगा ही खाएगा, या शादी हो जाती है तो बच्चों का प्रेशर आ जाता है, तो फिर आदमी कहते काहे का आंदोलन, चलो जो मिल रहा है वही करे, पूरी जवानी खत्म हो गई। और रही बात कमाई की, तो हर बार एग्जाम फीस के नाम पे मोटी फीस तो ले लेता है यूपीएससी। अब आप बोलोगे सर चलो कोचिंग वाले का अपना स्वार्थ है, सरकार का अपना स्वार्थ है, कि बंदा जो तैयारी कर रहा है पागल है क्या, वो क्यों लगा हुआ है? सर उसके दिमाग में किसी ने फिट कर दिया कि प्राइवेट जॉब तो खराब होती है, कंपनी आज है कल नहीं, तेरा क्या होगा कालिया, और सरकारी नौकरी एक बार लग गई ना, चाहे 2 साल लगे, 4 लगे, 6 लगे, 8 लगे, एक बार लग गई ना, 40 साल के मजे ही मजे हैं। तू 22 साल की उम्र में तैयारी कर, 6 साल तैयारी करके 28 में भी लगी तो 32 साल तो मजे करेगा, तो 32 साल मजे करने के लिए 6 साल भुगत भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसको ये नहीं बताते कि अगर तेरे स्किल में दम है तो न तो तुझे कोई कंपनी निकाले, और एक निकालेगी तो 3 लेने बैठेगी, प्लस वहां पे तेरी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, तू खुद का बिजनेस करने लग जाएगा तो बिजनेस में इनकम अनलिमिटेड होगी। यहाँ पे तो सरकार ने जो तनखा फिक्स कर दी वही फंका है, अब तेरे ऊपर कमाने की इच्छा है तो उसमें तो मैं क्या बोलूं वीडियो में। मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, जहां भी किसी भी देश की इकोनॉमी डेवलप होती है या रस्ते में चल रही होती है, मतलब अभी डेवलप नहीं अंडर डेवलप्ड है, वहां सरकारी नौकरी को बहुत अच्छा माना जाता है, वो स्टेटस सिंबल है, वो बात है। पर जैसे जैसे
देश का विकास होता है, सरकारी नौकरी की इंपॉर्टेंस कम होती है। जैसे 90s में जो सरकारी नौकरी की वैल्यू थी आज उससे थोड़ी कम है, और अगले 15 साल में देश जब अपनी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर जाएगा तब देखना सरकारी नौकरी की हालत मैं आपको 10 साल बाद बताऊंगा। बोलेगा अच्छा सरकारी नौकर है या सरकारी नौकर है, क्योंकि आपकी तनख्वाहें तो हो जाएगी फिक्स। और जो प्राइवेट सेक्टर में भाई साहब इतना इकोनॉमी में बूम होगा कि छोटे से छोटा आदमी भी आपसे ज्यादा ही कमा रहा होगा। कई एस्पिरेंट कहते हैं सर हमारे भी दिमाग में बात बैठ गई, हमको भी समझ में आ गया कुछ होता नहीं है। हम पापा को फोन लगाते हैं कि पापा हमसे नहीं हो रहा, हम छोड़ रहे हैं। पापा कहते हैं अरे कैसे छोड़ रहा है, एक अटेम्प्ट और दे दे बेटा। तो पापा क्यों दे रहे, पापा को पता है मैरिज मार्केट में लड़की की वैल्यू बन जाएगी। अभी इसका भाई साहब 10 लाख दहेज नहीं दे रहा, कोई IAS बन जाएगा, 2 करोड़ रुपए का आएगा, बड़े घर में रिश्ता हो जाएगा। पिताजी को पता है कि यार मैं सोशली एक नीचे लेवल पे रहा व्यक्ति हूँ, मेरा बेटा जैसी IAS निकलेगा मैं नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे आ जाऊंगा। तो भैया अपने जीवन में 20-25 साल में अपन उतनी मेहनत नहीं कर पाए, अब बच्चे के कंधे पे बंदूक के प्रयास है कि काश इस अटेम्प्ट के थ्रू हम फटाफट आ जाए। जॉब करोगे तो भी आपका स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, बिजनेस करोगे तो भी इंप्रूव हो सकता है, पर उनको लगता है इन दोनों में तो रिस्क है, गवर्नमेंट में तो गारंटी है। इसलिए पेरेंट्स भी कई बार आपको पीछे आने नहीं देते, 2-3 टाइम के बाद आपका मन बढ़ता है तो 2-3 टाइम घर वाले दिलवा देते हैं। अब जिन बच्चों का नहीं होता उनके साथ क्या होता है, सर 7-8 साल की कड़ी मेहनत और 6-7 अटेम्प्ट देने के बाद जब उसका आधा जीवन जो जवानी उसकी पूरी तैयारी में ही चली गई, तब उसे लास्ट में पता पड़ता है अब भैया तो किसी काम का नहीं है, UPSC में सारे अटेम्प्ट पूरे हो गए, एज लिमिट पूरी हो गई, अब अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी एज हो गई है 32 साल। अब वो प्राइवेट जॉब में अगर जाएगा ना नौकरी मांगने, तो उसका कॉम्पिटिशन उन 21-21 साल के लड़कों से जिन्होंने अभी डिग्री की है। वो पहले इंजीनियर था, इंजीनियर बन के IAS की तैयारी कर रहा था, पर इंजीनियर की डिग्री उसकी 10 साल पुरानी है, और जो अब उसको फाइट करना है उस इंजीनियर से जो 2 दिन पहले डिग्री लेके आया है। अगर वो अपने दोस्तों से कंपेयर करता है जिन्होंने तैयारी नहीं की थी और किसी जॉब में लग गए थे, तो उनके 2-3 प्रमोशन लग गए हैं, वो मैनेजर या सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हैं। जिन्होंने बिजनेस चालू किया था 8-10 साल में उनका बिजनेस सेटल हो गया है, और ये बंदा अब जीरो से खड़ा है। इस समय बंदे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, अंदर से टूट जाता है, खुद से भरोसा उठ जाता है, और आदमी अनमनासा हो जाता है। ICMR के डेटा के अनुसार 15% लोग जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन या स्ट्रेस से पीड़ित है, और ये डेटा सिर्फ कागजी है, असली डेटा इससे कहीं ज्यादा है, और सुसाइड के केस भी आपको यदाकदा सुनने में आई जाते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन बचता है जिसमें मोस्टली अप्लाई करते हैं कि भाई चलो ठीक है IAS की तैयारी नहीं हुई तो स्टेट PCS में जाते हैं, राजस्थान में जाएंगे RAS कर लेंगे, या बिहार में जाके कुछ और कर लेंगे, या बैंक की तैयारी कर लेंगे, या RBI की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस मोटा मोटी सेम रहता है। तो उसमें भी फिर पढ़ाई, मतलब तैयारी के 10 साल के दौर से निकलने के बाद फिर तैयारी में लगता है, फिर जाके कुछ नौकरी मिल भी जाती है ना, लेकिन मन को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ये तो एक एग्जाम दिया बैंक की नौकरी लग गई, बैंक में नौकरी तो है पर 32 साल की उम्र में आपकी पहली तनख्वाह आ रही है, कैसा लगता है? और जो सपना 8 साल से सुबह शाम संजोया वो टूट चुका है, वो तो पूरा होगा ही नहीं, तो पूरी जिंदगी डिप्रेशन में निकल जाती है। और जो सिलेक्ट हो गए उनके तो मजे ही मजे हैं, सर जी 1000 सीट है, इसमें IAS जिसके लिए ज्यादा मरी जा रही जनता वो सीट है मात्र 180, उसके बाद आता है 200-250 IPS आते हैं, उसके बाद अदर सर्विस आती है, अदर सर्विस में किसी का इंटरेस्ट नहीं। वो लोग जो टॉप 1000 में सेलेक्ट हो गए लेकिन 500 के नीचे हैं, उनके मन में मलाल रह जाता है, अरे IFS मिला यार, IPS तो मिला ही नहीं, IAS तो मिला ही नहीं, उनके मन में ये मलाल रह जाता है। जिनको IAS मिल जाता है उनको मलाल ये रहता है मेरे को मेरा कैडर नहीं मिला, मैं तो राजस्थान का बंदा था मुझे तो असम कैडर दे दिया, अब असम में जाके मैं क्या करूं। जिनको मनपसंद का कैडर मिल जाता है कि मुझे तो यूपी चाहिए था यूपी मिला, मनपसंद का जिला नहीं मिल रहा, मोटी मलाईदार पोस्ट नहीं मिल रही, मोटी मलाईदार पोस्ट मिल गई तो वहां पे मंत्री जी और CM के आदेश मानने पड़ते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं ईमानदार रहूंगा तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा तो ट्रांसफर मिल जाएंगे अशोक खेमका जैसे, और तुमने कहा नहीं यार मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूं तो घर पे रेड भी पड़ सकती है। तो सरकार ने कहा तू कमा लेगा तो नहीं छोड़ेंगे, और तू नहीं कमाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि राहुल जी मैं UPSC की तैयारी करूं कि ना करूं। कई लोग जो करने की सोच रहे हैं उनके मन में सवाल है, कई लोग जो कर रहे हैं बोले अगला अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना। मैं कहता हूं सबसे पहले खुद के गिरबान में झांको, आप हो कौन? सर यूपीएससी में पूरे इंडिया के टॉप टैलेंट आ रहे हैं और उसमें आपको जगह बनानी है 0.09 में। अगर आप अपने स्कूल में कॉलेज में इतने धुरंधर रहे हैं कि आप हमेशा ही टॉप में आए हैं तो आप यहां पे ट्राई कीजिए, किस्मत जरूर आजमाइए। लेकिन आपको पता है कि जब मेरे स्कूल में 50 बच्चों की क्लास में मैं 20वें नंबर पे आता था तो भाई साहब काहे दिमाग खपा रहे हो? इसमें रिजर्वेशन का भी बहुत बड़ा पंगा रहता है, तो उस डेटा के हिसाब से देख लो, ये मत सोचो चलो 1000 सीट है, उस 1000 सीट में अपनी कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन देखो, उस रिजर्वेशन के आंकड़ों की बात की जाए तो उसे 1000 में से आपके पास सीट ही 200-300, बाकी तो रिजर्व ही है, तो वो भी भूल जाओ। तो राहुल जी फिर करें तो क्या करें? सिंपल सी बात है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभावान हो, एग्जाम के मामले में आपने अपने स्कूल कॉलेज में फोड़ा है और आपको
बताए अपन निकाल देंगे, तो तैयारी करो। दूसरा, अगर वास्तव में इसके लिए पैशनेट हो, सुबह शाम दिन रात आपने आईएएस बनने का सपना देखा है तो ट्राई करो। लेकिन वो सपना आपने नहीं देखा, अपने पिताजी ने देखा है कि बेटा मैं कह रहा हूँ कर ले, पिताजी का सपना है, आपका मन नहीं है, तो जब तक आपका सपना नहीं है ना तब तक नहीं कर पाओगे। या किसी कोचिंग वाले ने मोटिवेट कर दिया, उसकी मोटिवेशन में किसी दूसरे की फूक में चल रहे हो तो भी नहीं कर पाओगे। ये सपना आपका अंदर है, अंदर से निकला है, तो करना किसी के कहने में, किसी के सुनने में, पिताजी के सपने के चक्कर में इसको मत करना, नहीं होगा। तीसरा, इसको अगर आपको करना ही है और बचपन से क्लैरिटी है तो इसको भैया 20-21 साल की उम्र में इसकी तैयारी चालू कर दो। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट देके 24-25 साल की लास्ट उम्र तक समझ जाओ कि भाई 25 की उम्र हो गई, 3 अटेम्प्ट हो गए, अब नहीं हो रहा, तो फिर आप किसी दूसरे अल्टरनेटिव रूट पे जाओ, क्योंकि अभी भी जवानी आपके हाथ में है। ये 28-30 के बाद बिखेर के फिर ये मत हो जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जिंदगी बहुत कुछ करने के लिए है, सिर्फ एग्जाम के भरोसे मत करो कि ये पास हुआ तो मैं कुछ हूँ और नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं। आप हो सकता है आईएएस के सही अटेम्प्ट में ना भी निकलो, लेकिन फिर भी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा बड़ा करो कि आईएएस भाई साहब आपको सैल्यूट मारे, कुछ ऐसी चीज करो। लेकिन ये नहीं कि एग्जाम खत्म हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, प्लीज डोंट डू दिस। तो अगर ये मेरे लेखक के या विचारक के अपने विचार हैं, आप इससे सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इससे नहीं सहमत है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला किस टॉपिक पे अपन वीडियो बनाए इसके बारे में मुझे सूचित कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।